देहरादून के DM आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे यहाँ 24 सैंपल लिए गए हैं। 24 सैंपल में से एक केस पॉजिटिव है, बाकी 13 केस नेगेटिव है। कोरोना को लेकर जो हमारे यहाँ एक केस पॉजिटिव है, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है जो बिल्कुल सेफ है। उनके साथ के लोगों में भी एक भी लक्ष्य ऐसे नहीं पाया गया जो कोरोना को दस्तक देता हो। और साथ ही देहरादून के DM आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। हमारे यहाँ टोटल 24 सैंपल लिए गए हैं और 24 सैंपल में से एक केस पॉजिटिव है और बाकी जो 13 केस हैं वो निगेटिव है। 10 की रिपोर्ट अभी एज ऑफ नाउ इज अवेटेड। कोरोना को लेकर के जो एक हमारे यहाँ पॉजिटिव केस है, उनकी भी जो हेल्थ कंडीशन है वो बिल्कुल स्टेबल है और उनका सैंपल दोबारा कल फिर भेजा जाएगा, विच इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कि जब तक वो सैंपल्स हर डेफिनेट इंटरवल के बाद भेजे जाते हैं और जब निगेटिव रिपोर्ट आती है तो पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। बाकी जो उनके साथ के और लोग थे जिनके अंदर अभी कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है जिसके से कि इनकी पुष्टि की जा सके, लेकिन फिर भी एहतियातन उनके ब्लड सैंपल्स जो है वो हम चेक करा रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे सिटी के अंदर ऐसी कोई भी डरने की बात नहीं है। लोग पर्सनल हाइजीन रखें, भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने को अवॉइड करें और डेफिनेट अपनी पर्सनल हाइजीन में हाथ वगैरह जो है वो खूब अच्छे से साबुन से धुलें। और इसके अलावा बाकी जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, इसकी एहतियातन जो इसका प्रिवेंशन रोका जा सके, इसलिए जो हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जहां पर एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं वो क्लोज किए गए हैं। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स को भी क्लोज किया गया है। इसके अलावा आज एक और ऑर्डर किया गया है जिसमें कि जो जिम है, स्विमिंग पूल हैं और क्लब्स हैं, उन्हें भी क्लोज किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन के लिए है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये व्यवस्था हम कर रहे हैं कि लोग जागरूक रहें और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को जो देहरादून में हैं लोग उनको बताना चाहता हूँ कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है और हम लोग पूरे तरीके से जो हमारी हेल्थ की टीम है वह